जैसे लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, कम्युनिस्ट, फासिस्ट, सोशलिस्ट। और इसके लिए आजकल आपको काफी सुनने में आ रहा है कि हम इन विचारधाराओं को समझ लें, और इसके लिए आज हम आपके लिए सब पर कुछ खास जानकारी लेकर आए हैं। मायरा फैशन, स्वामी कॉम्प्लेक्स, अनवेगा मॉल, अजमेर। कहने को तो प्यार और जंग में सब जायज है, पर इससे इतर सत्ता हासिल करना भी एक जंग है जिसमें कुछ भी नाजायज नहीं है, फिर चाहे वे विचारधारा ही क्यों ना हो। लेकिन आजकल जब से छात्र सड़कों पर हैं, तब से विचारधाराओं की बातें प्रमुख मंचों से होने लगी हैं, जिसमें कई शब्द जैसे लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, कम्युनिस्ट, फासिस्ट, सोशलिस्ट आजकल आपको काफी सुनने में आ रहे होंगे। लगातार हो रही इन बहसों को समझने के लिए और तथ्यात्मक निर्णय पर पहुंचने से पहले आवश्यक है कि हम इन विचारधाराओं को समझ लें, और इनके लिए ही आज हम आपके इन सब पर कुछ जानकारी लेकर आपके सामने आए हैं। दरअसल लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट शब्दों की उत्पत्ति फ्रांसीसी क्रांति से हुई थी। फ्रांस के राजा ने 1779 में वहां पे लोगों की एक मीटिंग बुलाई जिसे एस्टेट जनरल कहा जाता है। उसमें सिटिंग अरेंजमेंट इस प्रकार का था कि वहां जो लोग परिवर्तन चाहते थे, जो चाहते थे कि राजा जनता द्वारा चुना जाए, लेफ्ट साइड में बैठे थे, और वहां का मजदूर शोषित वर्ग इसमें शामिल था जिसे व्यवस्था परिवर्तन की चाहत थी। वहीं जो संपन्न वर्ग था, जो चर्च के पादरी थे, जो परिवर्तन नहीं चाहते थे और राजशाही के साथ थे, उनका मानना था कि व्यवस्थाएं जैसी चल रही हैं वैसी ही चलती रहनी चाहिए, वे राइट साइड में बैठे थे। और अब जो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आ रही है वह 1779 में फ्रांस की नेशनल असेंबली की है, जिसमें जो लोग पुरानी परंपराओं में बदलाव नहीं चाहते थे वे राइट साइड में बैठे हैं। ये लोग राइटिस्ट या कंजर्वेटिव कहलाए, और जो बड़े स्तर पर बदलाव लाना चाहते थे वे लेफ्ट साइड में बैठे हैं, ये लोग लेफ्टिस्ट या रिपब्लिकन कहलाए। चलिए एक एक करके इन्हें समझना शुरू करते हैं। दरअसल कई परिभाषाओं के मुताबिक लेफ्टिस्ट वे कहलाते हैं जो अपने आप को समाजवादी, उदारवादी या साम्यवादी बताते हैं। इसकी मान्यताएं होती हैं कि समाज में बराबरी हो, धर्म राज्य से अलग रहे, प्रभावी धर्म का प्रभाव नीतियों पर ना हो, आर्थिक मामलों में सरकार का कंट्रोल हो, और ये लोग मुक्त व्यापार के खिलाफ होते हैं। इस विचारधारा के लोग मानते हैं कि बाहर से आने वाला माल बिक्री से देश के उत्पादन करने वालों का अहित होता है। इसी के साथ साथ समाजवाद और साम्यवाद दोनों लेफ्टिस्ट की विचारधाराएं हैं, लेकिन समाजवादी मानते हैं कि देश के संसाधनों पर सभी का बराबर का हक है, इसलिए सरकार का कर्तव्य है कि जिनके पास ज्यादा है उनसे लेकर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद करें। हमारे देश में ऐसा होता है कि अधिक कमाने वालों से अधिक टैक्स लिया जाता है, इसलिए हम एक समाजवादी देश हैं जिसका जिक्र संविधान की प्रस्तावना में है। समाजवाद एक सशक्त सरकार की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है, जबकि इसके विपरीत एक राजनीतिक संरचना है जहां संसाधनों पर समाज का अधिकार तो होता है लेकिन बदले में व्यक्ति की जरूरतें समाज पूरी करता है। ऐसे लोग साम्यवादी कहलाते हैं। सरकार की भूमिका समाज में नहीं मानते हैं और वर्गों को भी स्वीकार नहीं करते हैं। पर्सनल प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं देते हैं क्योंकि संपत्ति से समाज में वर्गों का बंटवारा होता है, ऐसा साम्यवादी मानते हैं। वहीं भारत में की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी का कुछ झुकाव लेफ्ट की तरफ है। अगर आम आदमी पार्टी को देखें तो वो कांग्रेस से ज्यादा लेफ्ट की तरफ झुकी हुई है, जबकि सीपीआई और सीपीआईएम पूर्ण रूप से लेफ्टिस्ट विचारधारा की पार्टियां हैं। अब हम बात करते हैं राइट विंग के लोगों की। ये लोग अपनी प्राचीन परंपराओं को सहेजे रखने की बात करते हैं और उनमें परिवर्तन का विरोध करते हैं तथा राष्ट्रवादी होने की बात कहते हैं। ऐसे लोग राइटिस्ट कहलाते हैं। इनकी मान्यता है कि सरकार का लोगों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप ना हो। ये राष्ट्रवाद को अति महत्व देते हैं। धार्मिक परंपराओं और संस्कृति को संरक्षित करने पर इनका जोर रहता है और मुक्त व्यापार के ये लोग समर्थक हैं। ये लोग बिना भेदभाव के एक कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं। वहीं अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो बीजेपी राइटिस्ट पार्टी वे आरएसएस राइटिस्ट विचारधारा वाला संगठन है। जिस प्रकार अत्यधिक रूप से लेफ्ट की विचारधारा वाले लोग कम्युनिस्ट कहलाते हैं, उसी प्रकार से अत्यधिक राइटिस्ट विचारधारा के समर्थक लोग फासीवादी कहलाते हैं, और फासीवाद का एक उदाहरण था हिटलर। पर भारत एक ऐसा देश है
जहां विचारधाराओं से पहले देश हित सर्वोपरि होता है, इसलिए लेफ्ट की ओर झुकाव रखने वाली कांग्रेस ने 1951 में मुक्त व्यापार का रास्ता खोला और जिसका समर्थन राइटिस्ट भी करते हैं। वहीं राइट विंग का संगठन आरएसएस उस पर स्वदेशी जागरण मंच और मजदूर संघ जैसे मजदूरों के हक में बात करने वाले संगठन है जो लेफ्ट की विचारधारा के लिए मशहूर है। तो कुल मिलाकर सार ये निकलता है कि इस देश की खासियत है कि तिरंगे के नीचे रहकर आप कोई भी नागरिक भगवा लाल और हरा झंडा उठा सकता है, पर जब बात तिरंगे की आती है तो सभी झंडे छोड़कर हाथ में केवल तिरंगा दिखाई देता है। इसीलिए मोहम्मद इकबाल ने एक बार सही कहा था कि यूनान ओ मिस्र ओ रूमा सब मिट गए जहां से, अब तक बाकी है नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौर जमा हमारा। आप बने रहिए मेरे यानी कल्पित हरित के साथ और देखते रहिए एमटीटीवी इंडिया।